अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 2148 लोग जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है और उनमें से जो 40-50 व्यूअर्स मेरी वीडियोस को डेली देखते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं, उनको फ्रॉम द बॉटम कोर्स ऑफ माय हार्ट मैं वेलकम कहता हूं, खुश आमदीद कहता हूं अपनी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात करनी है इंडियन वुमेन टीम के पावर शो के बारे में। इससे पहले तो इंडियन मेन टीम ने पूरी दुनिया को अपनी परफॉर्मेंस से और अपनी कंसिस्टेंसी से इम्प्रेस कर रखा है। तकरीबन 2 साल से ये टीम अनबीटन चलती आ रही है। 2022 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जब इंग्लैंड ने इंडिया को 10 विकेट्स के मार्जिन से शिकस्त दी थी, हराया था, तब से दे गॉट वेरी सीरियस। और अब तक इन 2 सालों में 2023 और 2024 में इंडियन मेन टीम ने ICC के तकरीबन 18 से 20 मैचेस खेल ली हैं और सिर्फ एक मैच हारी है, और वो भी वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल ऑस्ट्रेलिया से। ये मैच किसी भी सूरत निकाला या भुलाया तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर इस मैच को हम इस लिस्ट में से निकाल लें तो इंडियन टीम सिर्फ एक मैच हारने के बाद अनबीटन चलती आ रही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। और इसी T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी इंडियन टीम की यही रूटीन है कि वो अब तक अनबीटन चलती आ रही है और फाइनल में साउथ अफ्रीका का सामना करेगी। सल्यूट टू देयर मैनेजमेंट, देयर कंसिस्टेंसी एंड देयर टीम यूनिटी। ये सब कुछ अभी चल ही रहा था कि इंडियन वुमेन टीम की एंट्री हो गई और उन्होंने कहा कि हम लोग पीछे क्यों रहे, अगर मैन इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो वुमेन भी किसी से कम नहीं है, हम लोग भी इतना ही अच्छा, इतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और परफॉर्म करके बताएंगे। साउथ अफ्रीका वर्सेज इंडिया वुमेन टेस्ट स्टार्ट हुआ है चेन्नई में और पहले ही दिन इंडियन ओपनर्स ने सरप्राइज कर दिया है पूरी दुनिया को अपनी परफॉर्मेंस से। पहले ही दिन ओपनर्स की जानब से 292 रन की पार्टनरशिप, जो कि अब तक वुमेन क्रिकेट में सेकंड हाईएस्ट पार्टनरशिप है। इससे पहले ऑस्ट्रेलियन पेयर की जानब से 309 रन की पार्टनरशिप लग चुकी है। इंडियन ने पहले दिन खेलते हुए 525 रन, 525 रन स्कोर किए हैं 4 खिलाड़ियों के आउट होने पर। ओपनर्स की बात करें तो शिफाली वर्मा 205 रन इन्होंने स्कोर किए हैं और वहां पे जाके लड़की रन आउट हुई है, कैच या बोल्ड नहीं हुआ, रन आउट हुई है 205 रन करके। 23 चौके और 8 छक्के लगाए हैं अपनी इस इनिंग्स में और इस तरह डबल टन में इंटर हो चुकी है ये लड़की। स्मृति मंधाना स्कोर्ड 149 रन, जी हाँ 149 रन, सिर्फ एक रन से अपनी 150 का जो माइलस्टोन है तो उसको मिस कर गई हैं ये। इन्होंने 27 चौके और 1 छक्का लगाया है अपनी इस इनिंग्स में। ब्यूटीफुल डिस्प्ले ऑफ बैटिंग बाय बोथ ओपनर्स। अभी ये लोग खेल ही रहे थे, जमीमा रोड्रिगेस, इनका नाम मुझे थोड़ा सा मुश्किल करके पढ़ना आ रहा है, इन्होंने 55 रन स्कोर कर दिए। हरमनप्रीत कौर 69 एंड ऋचा घोष 86 रन। इस तरह करके इंडियन वुमेन टीम इज डोमिनेटिंग साउथ अफ्रीका वुमेन टीम और 626 रन पर इन्होंने अपनी इनिंग्स डिक्लेयर कर दी है फर्स्ट इनिंग, और अब साउथ अफ्रीका टीम बैटिंग कर रही है और इंडियन टीम ने बहुत ही अच्छा पावर शो का मुजाहिरा किया है। अब उम्मीद करते हैं कि मेन टीम भी अब फाइनल में साउथ अफ्रीका को इसी तरह डोमिनेट करके अपना दूसरा टाइटल जीत लेगी या फिर साउथ अफ्रीका अपना पहला टाइटल जीतने में कामयाब हो जाएगी। देखते हैं अगले मैच में क्या होता है और कौन डोमिनेट करता है। बहरहाल इस वक्त जी वुमेन तो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही हैं, मैन का पता नहीं कि किस तरफ बात जाती है। तो ये थी हमारी आज की एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।